तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ये पता कर सकते हो कि अपने फेसबुक अकाउंट से कितने ग्रुपों को अभी तक ऐड किया हुआ है, और दोस्तों ये पता करके आप जब चाहें उसे ग्रुप से आप बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट के ग्रुप से कैसे आप बाहर आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देर न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे डियर फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि ऊपर की तरफ आप देखोगे कि एक थ्री लाइन का ऑप्शन बना हुआ होगा, जिस पर आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। उस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि आप लेफ्ट साइड में एक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने ग्रुप होंगे दोस्तों आपको शो हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने कितने ग्रुपों में ऐड किया हुआ है वो देखना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि योर ग्रुप पर चले जाना है, ठीक है दोस्तों। चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि जो अदर वाला दोस्तों ऑप्शन आ रहा है उसमें आपने जितने ग्रुपों को अभी तक ऐड किया हुआ है सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर उसका लिस्ट दिख जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जिस भी ग्रुप से आप हटना चाहते हो उसके प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ज्वाइंट वाला ऑप्शन दे रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करके यहाँ से लिप ग्रुप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से लिप ग्रुप पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और फिर से यहाँ पर इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है दोस्तों, एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं सक्सेसफुली यहाँ पर उसके ग्रुप से मैं हट चुका हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके आप किसी भी ग्रुप से बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।